ये बताने के लिए लोगों ने मुझे बताया कि इस इलाके के तीनों साइड बिना कोई फेंसिंग का खुला जंगल है और वहाँ से जंगली जानवर नुकसान करके वहाँ चले जाता है और तीसरी साइड में फेंसिंग है अधूरा हो रखा है तो पैसा पूरा पास हो रखे है लेकिन वो ठेकेदार को पैसा नहीं दे रहे, वो काम पूरा नहीं हो रहे। और आपने देखा है कि यूपी या बिहार में जब नीलगाय बाहर आ जाता है तो आपने बीच में देखा है कि उसको रहते हुए यूपी मैंने देखा है यहाँ पर हिरण आता है, हाथी आता है, कुछ नहीं करता। ये कोई नुकसान करने वाले चीज को कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, सारे सुरक्षा है यहाँ। कोई राउटिंग प्रोसीजर हो रहा है 8-9 दिन से हो रहा है लेकिन कोई आप हेली की मदद ले सकते हैं। यहाँ कोई नेता या कोई मंत्री का कोई तकलीफ आ गया तुरंत हेली आ जाती है। इस मिशन के लिए जंगली इलाके में सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है, हमने देखा है कि नेशनल जियोग्राफी के वाइल्ड चैनल में, हमने हमेशा टीवी में देखा है। ये पॉसिबल है और फास्ट है, इतने दिन ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को जान की कोई परवाह नहीं है। गार्ड चाहिए, सारी कोई घटना घटिया तुरंत भाग जाते हैं, लोगों को अटेंड नहीं करते। और इस इलाके में जंगली सुअर को मारने के लिए इतनी सारे कानून बना दिया कि ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സാഹചര്യം, ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരും അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, പക്ഷേ ശാശ്വതമായിട്ട് നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാണ്, അപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നഷ്ടപ്പെട്ടോ നഷ്ടു, ഇനി അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല, മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്ക് നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സംഘടനത്തോട് ചേർന്നു, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Children, at least, they should not just, a huge tragedy has happened to them. No, so they are more important than... No, that is their mind. The elephant came, already 9 days are over when elephant came. Belur Makhana. No, the same elephant that has killed other people. Ah, yeah. Oh, so it's a disturbed elephant. Yeah. Yeah. കേരളത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാരുന്നല്ലോ, അവിടുന്ന് വന്നതാണ്. ആനയൊക്കെ അവിടെ മതിയല്ലോ. ഹലോ, छोटा